फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सूचना एवं प्रसारण युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले तक कश्मीर फाइल का कुछ लोगों ने विरोध किया था और अब तक केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो बेटियों को बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं? देखिए, मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का, और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं, या उनके पक्ष में खड़े हैं? ये निर्णय इन राजनीतिक दलों को करना है। क्या तुष्टिकरण की राजनीति में वो इतना गिरेंगे कि देश की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा से ऊपर उनको अपने राजनीतिक वोट और तुष्टिकरण की राजनीति ज़्यादा मंजूर होगी? धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।